इंसानियत होती साले घर में घुस जाते हैं ये लोग। मीडिया पढ़ी कुछ समझ में नहीं आता है, लेट होता है पब्लिक अभी। कितने साल बाद क्या कंफर्म जजमेंट है वो ये कि पीयूष वर्मा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है 302 में और 370 में 10 साल के कारावास से दंडित किया गया है। 75,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है अभियुक्त टुकड़ों के ऊपर। मेरा ये मानना है कि माननीय न्यायाधीश ने बृहद दृष्टिकोण अपनाते हुए जो असल अपराधी है उसको सजा दी है। बाकी इस घटना में शामिल तो सब हैं। चंद्रपाल वर्मा ने अपने पुत्र को बचाने की कोशिश की, स्कूल के कर्मचारी होने के नाते संतोष कुमार सिंह उर्फ मिश्रा जी ने उसमें अपनी भूमिका निभाई, और मुकेश ने सबसे बड़ा जो केसदारी कही थी मुकेश वर्मा ने, वहाँ की वरिष्ठ अध्यापिका सुनीता मिश्रा को बराबर ये निर्देश दिया कि बच्चे स्कूल से जाने ना पाए क्योंकि वो असली अपराधी का नाम खोल देती। और मैं एक संबंध में और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस बार बार कहने के बावजूद सोनू भदौरिया द्वारा, मृतका की मां के द्वारा बार बार कहने के बावजूद, लिखित एप्लीकेशन देने के बावजूद इसको कम से कम 16 से 18 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। मैं जेडी स्क्वायर में नौकरी करती थी, 1:30 बजे घर से चली गई थी अपनी नौकरी पर। जैसे जेडी स्क्वायर मॉल पहुंची वैसे थोड़ी देर में मकान मालिक आए और बोले कि सोनू तुम्हारी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। हमने कहा अभी तो हम घर से आए हैं, इतनी जल्दी क्या हो गया जो इतनी हालत ख़राब हो गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी बेटी हमको घर में नहीं मिली, जो मकान के किराएदार थे वो लेके हॉस्पिटल गए भाग रहे थे। तो हम छपेड़ा पुलिया पे, मेरी बेटी हमको पीली एकदम ख़त्म हो चुकी थी, पीली पड़ गई थी, छपेड़ा पे मिली थी।